इसने क्या किया जी, वो इसका पोल लगा नहीं, पड़ोसी ने लगन दिया, हमारे जेल साहब ने कहा भी खड्डा से निकल बुला लिया, इसने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट, ये इससे पहले मेरे मिला 7 तारीख कोई भी मेरे एस्टिमेट का क्या रहा, मैंने कहा भी 31-32 हज़ार का एस्टिमेट दिया हुआ जमा करवाने के लिए एस डी एम साहब के पास, पैसे जमा नहीं, लाइन शिफ्ट नहीं इसलिए आपकी। उसके बाद जब एम एल ए साहब ने कहा और उनके एस डी एम साहब ने कहा बजट का अभाव है, आप इनको पोल दे दो, पोल दे दिया सर, मौके पर लगना ही लगा नहीं पोल, इन्होंने सी एम पोर्टल पर स्कैप लिख दी है जो कि एस डी ओ पैसे मांग रहे 31 हज़ार बाई नेम जी, उसका जवाब इनमें दे दे, पूरी चिट्ठी मेरे पास है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, ये मैंने एम एल ए साहब को बताया, मगर सर इसने ऐसी कंप्लेंट कर दी, इन्होंने कहा कि आपने काम नहीं करना है इसका जी। फिर 3 दिन के बाद सर आपके नहीं सर मैं सच बोल रही, 3 दिन बाद दोबारा फोन आया था मेरे को कि आप ना ये काम कर दो, मेरा सर काम करने से इनकार रहे हैं, पोल मौके पर पड़ा है जी, ये मेरे को लिख के दे कि वो कंप्लेंट मैंने गलत करी आपकी, 31 हज़ार एक्चुअली पैसे मांगे नहीं थे, लाइन शिफ्टिंग के पैसे थे वो। ऐसा सुनो जी, हाँ जी सुन, ये जो राम कथा आपने कही है हाँ जी वो ठीक है, बिल्कुल हाँ जी, इसके लिए भी ठीक, कई बार क्या होता है आम जनता क्या होती है जिसको किसी से कोई लड़ा देना नहीं, अब ये नागरिकता संशोधन विधेयक जी हाँ दिल्ली में, हाँ जी हाँ जी, क्वांटा के लोगों को क्या लेना देना जी सर, हमारे मुद्दे यहीं पे चलेंगे जी, या दफन यहीं पे होंगे जी, हाँ जी हाँ जी, हमने क्या लेना देना दिल्ली वालों से, इसको भी वही लगता है कि भाई एस्टिमेट क्या होता है, फॉर्मेलिटी क्या होती है, देखो एक चीज याद रखो ये जिंदगी में जी, याद जी सर, जब आम जनता के साथ हम डील करते हैं जी सर, उसको नहीं होता है, 31 हज़ार आपने मांगा हुआ एस्टिमेट के लिए, ये नहीं कह रहे कि आप रिश्वत जी सर, पर इनको लगा कि पता नहीं क्यों मांग रहे हैं आप, ये कह रहे थे